नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको रेलवे ग्रुप डी की सभी जोनों की कट ऑफ बताऊंगा और ये जो भी कट ऑफ तैयार हुई है, जो भी रिजल्ट आपका आया है, ये रो मार्क्स का नहीं है। ध्यान रखना, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में जो नंबर बने हैं उसके आधार पे आपकी मेरिट बनाई गई है, उसके आधार पे आपका रिजल्ट बनाया गया है। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में जो भी आपके नंबर आए हैं उसके आधार पे आपकी कट ऑफ तैयार करी गई है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आपके नॉर्मलाइजेशन लगभग कितने नंबर का हुआ है और रनिंग के बाद में आपकी कट ऑफ, पीएटी के बाद में आपकी कट ऑफ कितने नंबर बढ़ सकती है या कम हो सकती है। तो पहले मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ, हर जोन की, हर बोर्ड की कैटेगरी वाइज मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ, फिर मैं बात करूंगा नॉर्मलाइजेशन पे और रनिंग पे। तो देखो, पहला जोन है बेंगलोर। बेंगलोर की जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई है 66.3, ओबीसी की गई है 66.26, एससी की गई है 52.51, एसटी की गई है 48.67 और ईडब्ल्यूएस की गई है 50.08। ऐसी पटना की जनरल की गई है 66.2, ओबीसी की गई है 61.96, एससी की गई है 50.12 और एसटी की गई है 44.55 और ईडब्ल्यूएस की गई है 92.91। ये पटना की कट ऑफ है। ऐसी गोरखपुर की जनरल की गई है 69, ओबीसी गई है 64.50, एसटी गई है 43.75, ईडब्ल्यूएस गई है 51.87। भुवनेश्वर की जनरल की कट ऑफ 66.49 है, ओबीसी की 58.36 है, एससी की 49.13 है, एसटी की 44.13 है और ईडब्ल्यूएस की 48.77 है। ऐसी रांची की जनरल की कट ऑफ गई है 70.64, ओबीसी की 64.64, एससी की 54.29, एसटी की 46.24 और ईडब्ल्यूएस की गई है 53.97। भोपाल की जनरल की कट ऑफ गई है 65.87, ओबीसी की गई है 58.53, एससी की गई है 49.33, एसटी की गई है 48.87, ईडब्ल्यूएस की गई है 40। गुवाहाटी की गई है 60.31, ये जनरल की कट ऑफ है, ओबीसी की गई है 50.23, एससी की गई है 47.47, एसटी की गई है 36.90, ईडब्ल्यूएस की गई है 40.03। कोलकाता की जनरल की गई है 69.60, ओबीसी गई है 65.89, एससी गई है 58.42, एसटी गई है 48.76 और ईडब्ल्यूएस गई है 50.46। अहमदाबाद की जनरल की कट ऑफ गई है 62.67, ओबीसी गई है 58.43, एससी गई है 50.81, एसटी गई है 49.18 और ईडब्ल्यूएस गई है 51.66। चेन्नई की जनरल की कट ऑफ गई है 60.95, ओबीसी की गई है 55.65, एससी की गई है 49.89, एसटी की गई है 44.58 और ईडब्ल्यूएस की गई है 40। अजमेर की जनरल की कट ऑफ है 68.32, ओबीसी की है 61.66, एससी की है 54.02, एसटी की है 54.08 और ईडब्ल्यूएस की गई है 48.76। ऐसे इलाहाबाद की जनरल की कट ऑफ गए 66.48, ओबीसी है 69.93, एससी है 52.35, एसटी है 35.55 और ईडब्ल्यूएस है 48.83। बम्बई की जनरल की कट ऑफ गई है 64.76, ओबीसी गई है 58.15, एससी की है 51.89, एसटी गई है 44.35 और ईडब्ल्यूएस गई है 40। बिलासपुर की जनरल की कट ऑफ 60.16, ओबीसी की गई है 57.98, एससी गई है 50.48, एसटी गई है 42.68 और ईडब्ल्यूएस की गई है 40। सिकंदराबाद की जनरल की कट ऑफ है 57.38, ओबीसी है 52.46, एससी है 46.38, 47.57 और ईडब्ल्यूएस गई है 40.40। जबलपुर वही भोपाल वाला जोन है, इसको अलग से मैंने लिख दिया, जो भोपाल बोर्ड से है वो जबलपुर से ही है। तो इसकी जनरल की कट ऑफ 65.87 है, ओबीसी 58.53 है, एससी 49.33 है, एसटी 44.84 है और ईडब्ल्यूएस 40 है। चंडीगढ़ की जनरल की कट ऑफ 70.98 है, ओबीसी 64.77 है, एससी की कट ऑफ 60 गई है, एसटी की 50 गई है और ईडब्ल्यूएस की 57.75 गई है। ये सभी जोनों की रेलवे ग्रुप डी 2022 के लिए पीएटी के लिए कट ऑफ। ध्यान रखना, ये पीएटी के लिए कट ऑफ है, इसमें 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया, जितने भी पोस्ट है उसके 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो अब बात करते हैं कि पीएटी के बाद, फिजिकल के बाद कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है। अगर आपके कट ऑफ से 3 से लेके 5 नंबर ज्यादा है, कट ऑफ से 3 से लेके 5 नंबर ज्यादा है तो आपका 100% हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। बट कट ऑफ से 3 से लेके 5 नंबर आपके ज्यादा होनी चाहिए, हो सकता है 2 वालों का ही हो जाए, बट मैं आपको मेजर पोर्शन बता रहा हूँ कि 3 से लेके 5 तक आपका होना ही चाहिए तो आपका 100% हो जाएगा। साथ ही बात करें कि नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है, जहां तक मैंने 10-15 स्टूडेंट से बात करी है कि सर मेरे 8 नंबर कम थे मैं पास हो गया, कोई मिला है कि मेरे 7 नंबर कम थे मैं पास हो गया, किसी के कट ऑफ से 9 नंबर तक रो मार्क्स कम थे वो भी पास है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि नॉर्मलाइजेशन 8 से लेकर 12 नंबर तक हुआ है।
एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं है, वो तो 27 तारीख को पता चलेगा, बट लगभग नॉर्मलाइजेशन जो हुआ है ना 8 से लेके 12 नंबर तक हुआ है। अब किसके कितना हुआ है वो 27 को आपको पता चल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।